क्या बोलूं, देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूं, उसका 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 जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि हमने एक ऐसा जनरल खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, जो बहुत ज्यादा सोचता था, एक ऐसा जनरल था जो जिसको पता था ऑपरेशन डिटेल्स में कैसे एग्जीक्यूट करना हो, ऐसा जनरल जिसको ये भी पता था कि हमारे दुश्मन कौन कौन है। तो जब जनरल बिपिन रावत की बात होती है तो मेरे दिमाग में यही तीन चार चीजें आती हैं। मेरा कई बार उनसे इंडक्शन हुआ, आखिरी बार मैं उनसे 15 अगस्त में राष्ट्रपति भवन में मिला था, और मैं आपसे कह नहीं सकता कि मैं उनकी जो आखिरी मुलाकात थी उसको कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर जेके राय जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में मेरे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी जुड़ने वाले हैं। हम सब श्रद्धांजलि देना उनको चाहेंगे, हम सब श्रद्धांजलि उनको देना चाहेंगे, हम उनको हाथ से नमन करना चाहेंगे। उन्होंने जो देश के लिए किया वो मैं कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को, उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया समझ नहीं पाएंगे लोग। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो ए स्ट्राइक हुई, जो गलवान में हुआ, उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे, वो जानते थे।